नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़, और खबर की चीरफाड़ करके पहुंचते हैं हम तह तक, जहां से लाते हैं ऐसी बातें जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सूत्रधार बन के उभरती है। हमारे साथ फिर से मौजूद है वही चिर परिचित डॉक्टर नमन मिश्रा जी। जी मैंने कह दिया है, डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो चलिए, आज फिर से एक खबर स्ट्रेचर पर है कि भाजपा नीतीश कुमार को फिर से फटकार लगा दी है। किन मसलों पर, इस पे तो आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं किन किन मुद्दों पर भाजपा और नीतीश कुमार में सरकार बनने के बाद ठनी हुई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्राइम के मसले पर। क्राइम के मसले पर भाजपा के अध्यक्ष जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरते हैं, तू मैं मैं वाली बात आती है। एक ही गठबंधन जी, एक ही गठबंधन में। इसके बाद बात करें चिराग पासवान को लेकर के, क्या कुछ मनमुटाव की बात आती है। इसके बाद से आप देखेंगे कि माझी भी अब नीतीश कुमार से किस तरह से बातें करते हैं। लगातार अलग अलग मसला है। पंचायती राज विभाग नीतीश कुमार के पास भी नहीं है, लेकिन अलग अलग मसला है। सभी मसलों पर नीतीश कुमार और भाजपा में जो है ठनी हुई है। और मैंने एक बात आपसे कही थी कि मुद्दे बहुत हैं, धीरे धीरे आएंगे जी। तो वही उसी मुद्दों में से, जो मुद्दों का जो एक स्टॉक है, सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि भाजपा निकाल रही है, एक और मुद्दा जो है सामने आ गया। दरअसल NHFS नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो आता है, उसके उन्होंने जो एक डाटा जो है, केंद्र सरकार के भीतर चलता है, परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर चलता है, उन्होंने एक डाटा जो है रिलीज किया। डाटा किस पे है? नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े जो परियोजना है उस पे डाटा है। आप सोच रहे होंगे कौन सा बड़ा परियोजना की बात कर रहे हैं। चलिए बता ही देते हैं आपको, हम बात कर रहे हैं रेड वाटर की, नहीं समझे, बात कर रहे हैं शराबबंदी की। हम बात कर रहे हैं बिहार में 2015 से ही जो है आपको शराबबंदी कर दी गई थी, इसके बावजूद बिहार में 15 नहीं 16 में किया गया था। जी, माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। 2016 में जो है शराबबंदी हो गई थी, लेकिन शराबबंदी के बाद से ही बिहार में किस तरह से शराब की जो है खपत हो रही है, इस बातें हो रही, तो लगातार आपको बहुत सारे वीडियोज में भी दिख गए होंगे, आपके भी अगल बगल दिख ही गया होगा किस तरह से शराब का क्या कारोबार चल रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार के जो इस एजेंसी ने जो डाटा करती है, सर्वे करती है, उन्होंने एक डाटा दिया जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में जितनी शराब की खपत होती है, इससे ज्यादा वर्तमान में बिहार में शराब की खपत हो रही है। और इस ऐसे समय में जब भाजपा और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है, इसी समय में ये डाटा आती है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है वो सवालिए जो है घेरे में आकर के फिर से खड़ा हो जाता है। चलिए डाटा की एक बार बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम संपादक नमन मिश्रा, डॉक्टर नमन मिश्रा के पास पहुंचेंगे। चलिए हम बात करते हैं, जो डाटा आया है उसके मुताबिक अगर जनरल बिहार में बात करें तो बिहार में जो शराब की खपत है वो 15.8% के करीब है। शहरी क्षेत्रों में ये जो है 15.5% है, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ जो है 14.05% जो है शराब की खपत हो रही है। ये एजेंसी जो सर्वे की है, आपको बता दें कि ये जो पूरा डाटा है 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर किया गया है। लेकिन जरा समझिए ना, और वहीं अगर आप महाराष्ट्र की हमने बात की तो महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र में एवरेज जो है 14% के आसपास है। आप समझिए, महाराष्ट्र में शराबबंदी भी नहीं है, ओपन है, वहाँ 14% का जो है शराब का खपत होता है। बिहार में शराबबंदी है, कानून व्यवस्था इतनी टाइट है, शराब पीने पे आपको जो है हत्या वाला तक भी एक समय में हो जाता था, आप पे मुकदमा हो सकता था। वहाँ जो है शराब की खपत वर्तमान में 15.8% के एवरेज में। कहीं ना कहीं ये डाटा जो है बेहद चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाले के साथ साथ इसका राजनीतिक बात भी है, सहमत है राजनीतिक बिहार की बात है। तो क्या कुछ है राजनीतिक जो बातें हैं इसमें, और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा से। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियाँ हैं जी, जिसमें से खुद का उनका उपजा हुआ चुनौती भस्मासुर शराबबंदी जी। आप और हम जब निकलते हैं हम लोग चुनाव के दौरान यात्राओं पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस मुद्दे की चर्चा होती है? शराब की। सबसे ज्यादा बोलने कौन आ जाते हैं? शराबी जी, बिल्कुल। और लोग आके डायरेक्ट कहते हैं कि मैंने शराब पी है, वहां से खरीद के लाए हैं, यहाँ पिए हैं जी। अब तो इस बार तो एक और नहीं बात मुझे समझ में आई, जो हम झंझारपुर में थे जी, तो लोग आकर क्या कह रहे थे, नकली शराब पी कर आए हैं जी। ये कहाँ से अब आ रहा है? तो खुद बना लिया जी। तो पूछे कैसे बना लिया, तो बस थाना से मिल के पीछे में बना लिए, थाने के पीछे। ऐसे इतना ओपनली पुलिस भी इन्वॉल्व है, ऐसे होता है ये कारोबार। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब ये कारोबार नीतीश कुमार संभाल नहीं सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, तो ये तो भस्मासुर है ना जी। बिल्कुल। और भस्मासुर का उपयोग कैसे किया जाएगा जी? देखिए, नीतीश और भाजपा के बीच वर्तमान क्या हो रहा है जी,
कलम उठाइए जी, एक लकीर खींचिए जी, बिल्कुल ये नीतीश कुमार ने खींचा है जी, भाजपा क्या करेगी? एक और बड़ी लकीर खींच देगी या एक और काम कर सकती है, इनके लकीर को थोड़ी सी मिटा देगी जी। अब भाजपा दोनों स्ट्रेटजी लगा रही है जी, भाजपा ये स्पष्ट करना चाहती है कि जो देखिए बड़ा इसमें अलग तरीका है, आप अक्सर जिस व्यक्ति को हराना चाहते हैं आप उसके फैन बन जाते हैं जी, उसको फॉलो करने लगते हैं जी। ये नियम है, ये नेचुरल है, ये साइकोलॉजी है जी, बिल्कुल। आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं तो आप भी गाड़ी खरीदते हैं, वैसे ही आप फैन बॉय बन चुके हैं उसके जी। और नीतीश कुमार ने 2014 में नरेंद्र मोदी से दूरी जो बनाई थी कि वो बहुत पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्ववादी छवि है, हमें सेकुलर हूँ, मैं अलग राजनीति करूँगा, बाद में झटका लग गया जी। लेकिन इस दौरान इन्होंने जिन चीज़ों पर नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र याद कीजिएगा, समझिए लड़ाई कहाँ की है जी। नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के और नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे जी। नरेंद्र मोदी भी गुजरात को खूब डेवलप कर रहे थे और शुरुआती दौर में नीतीश कुमार भी बिहार को बहुत डेवलप कर रहे थे जी। लोगों पुल पुलिया से लग रहा था विकास हो रहा है जी। तो इनको भी अवार्ड मिला, इनको भी अवार्ड मिला जी। तो लड़ाई तो वही है ना जी, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं थी जी, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। नरेंद्र मोदी सीएम से इनकी लड़ाई, गुजरात के मुख्यमंत्री। और देखिए जिस तरह से गुजरात में जब शराबबंदी लागू किया नरेंद्र मोदी ने जी, इनके मन में उसी समय बन गया था कि इनसे लड़ना है, इनकी सारी स्ट्रेटजी को इनसे बेहतर करना है, लंबी लकीर करनी है। तो उस लकीर तो मिटा नहीं सकते थे तो लंबी करनी। और इन्होंने शराबबंदी 2015 में जब नरेंद्र मोदी से अलग हुए, भाजपा से अलग हुए, महागठबंधन सरकार अपनी ताकत जबाई लगा कि नहीं हम अपने साथ चला सकते हैं, लालू जी मेरी बात मानेंगे, सब लोग मानेंगे, तो इन्होंने शराबबंदी लागू की जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का एग्जीक्यूशन गुजरात को लेकर, शराबबंदी को लेकर कैसा था ये गुजरात के लोग बेहतर बना सकते हैं, ये डेटा बता सकता है। गुजरात में, गुजरात में भी बहुत सफल नहीं रहा शराबबंदी जी। उसका चेहरा जरूर उन्होंने चमका लिया अपना उस नाम पर नरेंद्र मोदी ने जी। तो इन्होंने भी चमकाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने ये भूल गए कि बिहार में हमारे जैसे पत्रकार भी बैठे हुए हैं जी। आप चेहरा चमकाइएगा तो हम धीरे धीरे जैसे मिटाना भी शुरू करते हैं जी। फर्जी काम नहीं होगा जी। हमारे जैसे जब तक वॉचडॉग्स होंगे सोसाइटी में तब तक फर्जी काम नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी ने नीतीश सरकार की पोल तो खोली ही है और बहुत डैमेज हुए नीतीश कुमार चुनाव में। नीतीश जी को लगता है कि शराबबंदी चुनावी अगर नहीं है मुद्दा तो ये भ्रम है उनका जी। चुनाव में लोगों ने आकर ओपनली कहा कि मेरे घर के बगल में शराब बिकती, शराब माफिया बिहार में एक्टिव है। नीतीश जी ने 3 दिन पहले मीटिंग की है और इन्होंने खुद कहा है, शराबबंदी पर मीटिंग इन्होंने की है और इन्होंने ये माना है कि बिहार में शराब माफिया हो गए हैं, जैसे गुजरात में थे, जैसे एक टाइम में अमेरिका में थे जी। अमेरिका में मैंने आपको बताया था गेटो कम्युनिटीज आज जिन पर आरोप लगता है कि ड्रग्स बेचते हैं तो ये बेचते हैं तो गलत काम में लग रहते हैं, शराब पेडलिंग का काम करते थे उस समय जब वहाँ लगा था शराबबंदी अमेरिका में, और यही गुजरात में भी हुआ, अपने फिल्मों में देखा है जी, बिल्कुल। और अब बिहार में हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बिहार में कोई फिल्म नहीं बनी है तो हमें नहीं पता है, लेकिन खबर तो देख रहे हैं ना जी। मैंने आप लोगों से याद कीजिए, मैंने आप लोगों को क्या कहा है, खबरों को लेकर मैं बहुत संजीदा रहता हूँ, आप लोगों को मैंने हर खबर चलाने के लिए कहा, शराबबंदी पर मैं खबर चलाने के लिए कहता हूँ आपको, कभी मैंने कहा ना कि शराब वाले मुद्दे पर मैं इंटरेस्ट लीजिए, ये बिना मतलब का एकदम बेरोजगार मुद्दा है जी। शराब कंसेंट से लोग छोड़ते हैं जी, आपके कहने पर नहीं छोड़ेंगे जी, बिल्कुल। और आज भी पी रहे हैं, अब तो बेइज्जती हो गई ना, अब तो नरेंद्र मोदी जी ने बेइज्जती की है ना जी, अब तो भाजपा ने बेइज्जती की है ना, भाजपा ने केंद्र सरकार ने आपकी बेइज्जती की है जी। आपको एहसास कराया है कि महाराष्ट्र जहां इतना ओपन कल्चर है, इतना ज्यादा लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, फिल्मी कल्चर रहता है, ड्रग्स और का सेवन करते हैं, वहां पे शराबबंदी आपसे शराब आपसे ज्यादा कम सेवन किया जा रहा है, बिहार में ज्यादा किया जा रहा है जी, तो बेइज्जती वाली बात है जी, बिल्कुल। और ये बेइज्जती भी कौन कर रहा है, भाजपा केंद्र सरकार, बिल्कुल। लंबी लकीर कर दी उन्होंने जी, आपकी लकीर मिटा दी जी, एक और मुद्दा मिल गया भाजपा को जी। तैयार रहिए, अभी कहाँ, अभी तो और बाकी है जी, अभी बहुत मुद्दा है, एक से एक मुद्दा है, डेवलपमेंट सिक्स अलग अलग सेंक्शन जो होते हैं जी, सोसाइटी में प्रिविलेज, फिर स्लम बस्तियां, कितने स्लम है, प्रदूषण, और भी मैं बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब कुछ होगा जी, कास्ट कंसेंसस, लड़ाइयाँ, जो दो अलग अलग धर्मों में जो अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं, दंगा, इन सब का डेटा आएगा जी। एक एक करके, याद रखिएगा मेरी बात, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, एक एक करके आपको घेरा जाएगा हर मुद्दे पर, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, बिहार के लोगों के में कमाने की क्षमता कितनी है, सरकार का उसमें क्या योगदान है, टैक्स कलेक्शन कितना बिहार सरकार करती है और केंद्र सरकार कितना कम करती है, आप पेट्रोल पर टैक्स कितना लेते हैं, सब बात पर खींचा जाएगा जी। और खींचा ही नहीं जाएगा, साफ किया जाएगा जी। और उस समय मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के आसपास के जो
नवरत्न बोलते हैं उनको, उन नवरत्नों का दिमाग काम करना बंद कर देगा जी। बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा कि आखिर अब इस पर जवाब कहाँ से दें, क्योंकि वहाँ स्ट्रेटजी बनी हुई है P2P पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, हर जगह नीतीश जी आपको झेलना होगा। और भाजपा आ रही है बहुत बहुत प्रचंड तरीके से आ रही है लेकर मुद्दा, और उन मुद्दों पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं दीजिएगा आपके, आज नीरज कुमार ने, मैं बता दूं आपको, बड़ा मौजूद समय है ये कि कल कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनकी पुत्री नेत्री हैं नेहा शर्मा जी, उनके उनके हाँ वो आवाज किया अभिनेत्री है, नेत्री निकल गया मुझसे, तो वो अजीत शर्मा जी जो भागलपुर से जीत कर आए हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं जी, कांग्रेस के लेकिन नीतीश जी के करीबी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल शराबबंदी पे, थोड़ा सा शौकीन आदमी है जी, तो शराबबंदी पे इन्होंने एक बयान दिया, देखिए 1000 वाला 3000 में मिलने लगा, पहले 500 में मिलता था, फिर 1000 हुआ, 3000 हो गया, कुछ होगा उन कहीं प्रयास किए होंगे, नया साल है जी। तो देखे होंगे कि 3000 भाई बहुत महंगा तो हो गया जी। तो विधायक जी को जब 3000 महंगा लग रहा, तो सोचिए आम आदमी का क्या स्थिति होगा, नया साल भी मनाना है जी। परिवार भी चलाना है, कोरोना भी देखना है, इसमें थोड़ा सा शौक भी रखना है, तो शौक तो थोड़ा भारी पड़ जाता है ना जी, बिल्कुल। जब विधायक जी को भारी पड़ गया तो हम लोगों को तो बहुत भारी पड़ जाएगा जी। तो इसीलिए उन्होंने वेदना अपनी प्रकट करते हुए कहा कि नीतीश जी इस पर थोड़ा रिकन्सिडर कीजिए, कम से कम नया साल तक कंसिडर कर दीजिए। लेकिन नीतीश जी के मंत्री ने कैसे फिंचाई की जी, खूब रगड़ दिया गया कांग्रेस को, कहा गया कि शराब जाके बाहर पीते हैं ये लोग, तो ये करते वो करते, बहुत सारा कुकर्म का आरोप लगाया गया जी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि विडंबना देखिए, कई जदयू के नेता भी धरा है बोतल लेकर नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ है जी, ये तो घर में भी कुकर्म हो रहा है जी। तो खैर इन कुकर्मों पर हमारा फोकस नहीं है, फोकस ये है कि आपने लागू किया, आप ही भस्मासुर के अंडर चपेट में आ गए उसी, और आज भाजपा को अपने मुद्दा दे दिया, भाजपा को रगड़ रही है, फींच रही है। आप तो फैन बॉय बने हुए नरेंद्र मोदी के कि नरेंद्र मोदी जो करेंगे हम उसको करेंगे जी। लेकिन आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के पास पूरी एक अलग श्रृंखला है लोगों की, उन्हीं का यूज किया हुआ प्रोडक्ट प्रशांत किशोर को आप यूज करते हैं। अरे अगर मेरे जैसा विश्लेषक सही ढंग से बैठा रहता 15 साल पहले, तो मैंने बहुत लेट पत्रकारिता शुरू की तो ढेर कुछ बोला होता। मैं मुझे विडंबना होती है बिहार के उन पत्रकारों पे जो नीतीश कुमार जी के आसपास पत्थर लेके घूमते रहते हैं कि हमरो भी एक पूरी दे दीजिए, हमको भी एक दे दीजिए, दुख होता है। जानता भी हूँ कई लोगों नजदीक से, वहाँ घूमते हैं, उनके ऑफिस में बैठे कितने लोग तो नौकरी कर रहे हैं नीतीश जी के यहाँ, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी लेते हैं नीतीश जी से। तो हमारे जैसे लोगों के साथ थोड़ा दुखद है समस्या, UPI नंबर दिया हुआ है, हम आपकी नौकरी कर रहे हैं, उस पर सहयोग कीजिए, नहीं कीजिए तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भूखे ही मर जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खबर ऐसे ही दिखाएंगे जैसे जी। बिल्कुल, नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल को मेरे से बढ़िया कोई डिफाइन नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ ना कि मैंने PhD कर रखी है नीतीश जी में जी। और नीतीश जी जो करते हैं वो केवल और केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए करते हैं, बैकफायर करता है इसमें, ज़्यादा कॉस्मेटिक लगाइएगा तो चेहरे पर पिंपल निकलने लगता है जी। हो रहा है वही, जहाँ तहाँ से पिंपल निकल रहा है भाजपा फोड़ दे रही है जी, दाग परमानेंट हो जा रहा है जी। तो ये जो भाजपा की स्ट्रैटेजी है बड़ा मजेदार है, मैं बता दूं आपको जी। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा है ना कि रेडियो पे कभी सुने आप कमेंट्री जी, क्रिकेट का रेडियो पे कमेंट्री जो लोग सुनते होंगे उनको देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो कमेंटेटर बोल रहा है उसमें मजा खूब आता है। देखिए रवि शास्त्री ने उठा दिया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, नीचे फील्डर खड़ा है और कैच हो गया जी। तो वो एक अलग एड्रेनलिनस है, उसका मजा ही अलग है जी। छक्का भी हो सकता है, भी हो सकता है, क्योंकि आप देख तो नहीं रहे। वैसे ही मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ ना, तो देख नहीं पा रहे दर्शक जी। लेकिन बात इतनी मौजूद इतना सही है कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा जी। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ढेर चैनल है, देखिए कोई चैनल लगा के इंटरटेनमेंट लगा लीजिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। लेकिन बात खत्म करूंगा, बहुत समय ले लिया आप लोगों का मैंने जी। एक बात आप मान के चलिए कि मैंने कई मुद्दे गिना दिए हैं, आने वाले समय पे पंचनामा भी करना है, बयान भी नेताओं को देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेताओं से बातचीत करके आता है क्या, दो दिन बाद क्या बयान देना, हमें कुछ नहीं पता, मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करता हूँ ना मेरी बातचीत होती है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हमारे नाक कान बैठे हुए हैं, और खबरें जब अंदर से आती हैं तो ज़्यादातर खबरें सही होती हैं, सटीक होती हैं। कई बार नेता अपनी बात से भी पलटी मारते हैं, जैसा कि उनका नेचर होता है जी। उसी केस में हमारी कभी विश्लेषण गलत होती है, अदरवाइज कभी विश्लेषण हमारा गलत नहीं होता। मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार की शराबबंदी का हाल ऐसा है कि इनके लिए सबसे ज्यादा निगलने वाला कठिनाई जो हो रहा है ना वो यही है जी। भाजपा के देखिए सरकार बनते ही नेक्स्ट डे भाजपा के मंत्री का एक ट्वीट आया था जी, याद है आपको, शराबबंदी को बंद खत्म कर दीजिए नीतीश जी। जी बिल्कुल, इससे बहुत डैमेज हो रहा है। DGP इनके थे गुप्तेश्वर पांडे, बेचारे 3 साल का समय बर्बाद किया शराबबंदी के पीछे, खूब दौड़े, लोगों को प्राण खिलाया, पुलिस महकमे के लोगों को इकट्ठा कर करके
प्रण दिलाया कि सामूहिक अथी कीजिए कि नहीं पियेंगे शराब कभी, नशा नहीं करेंगे। क्या किया जाए, जब थानेदार साहब के पास बोतल आती है जब थोके तो एक घूंट मार ही लेते हैं जी। और जब नीतीश जी के नाक के नीचे गृह मंत्रालय में ही ये सब काम हो रहा है तो फिर भाजपा को तो बुरा लगना लाजमी है भाई जी। बस यही बात है, और क्या कहा जाए। चलिए, आज के पंचनामा में जो बड़ी बातें सामने निकल करके आई है, जैसे कि हमारे संपादक और डॉक्टर नमन मिश्रा लगातार ये बात कहते हैं कि भाजपा ने जो स्ट्रैटेजी की एक सीरीज बना रखी है, प्लेट है, समझे, प्लेट एक एक करके एग्जीक्यूट होगा, एक एक प्लेट निकलता है और सारी सारी चीज़ें। नीतीश कुमार पिछले प्लेट पे ध्यान दे कि कैसे निकला, इसको कैसे भीतर डाला जाए, तब तक भाजपा दूसरा प्लेट निकाल दे रही है। प्लेट अभी लंबा है, सीरीज लंबा है, धीरे धीरे निकलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो डाटा है, जो इस बार आंकड़े हैं, जो केंद्र सरकार के आंकड़े आए हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था और नीतीश कुमार की सरकार पर एक बड़ा सवाल या निशान तो जरूर खड़ा कर देता है कि जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहाँ के लोग कम शराब पीते हैं और जहाँ शराबबंदी है वहाँ शराब की ज़्यादा खपत है। एक बात याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा हो सकता है कि बहुत अपने कद और पद से ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन भी नीतीश और भाजपा में अलगाव होगा जी, जो बयान, जो व्यक्ति पहले आग झपकाएगा या जो हटेगा जी, वो यही बयान देगा कि बिहार के लोगों के हित में मैंने डिसीजन लिया है जी। याद रखिएगा, अभी मैं लिख लीजिए इसको कहीं। बिहार के लोगों के हित में क्या डिसीजन होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, और कौन जाके हित में डिसीजन लेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है, यहाँ खबर कभी नहीं रुकता है। तो चलिए, आप हमने क्या हितई गोतिये खूब बुझाला बिहार के ये स्थिति में, बाबा रहते तो बढ़िया समझते हैं कि हितई गोतिये हमने के हमने से बढ़िया कोई ना जानला है। बिहार की राजनीति भी वही है, नेता कितना हित होले वो तो देर, हमने क्या गांव में हित आवेले, हित के स्थिति का वाला वो तो पता भोको। लेकिन हमारे दर्शक जो है हित वाले दर्शक है, आप हमारा हित चाहते हैं तो यूपीआई नंबर है एक, वहाँ जाके आप सहयोग कर सकते हैं। शेयर वाला बटन जो है अभी भी फ्री है, पूरा फ्री है, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, तो आप शेयर जाके कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।